हरे कृष्णा राधे राधे। 6 जून 2024 को वट सावित्री व्रत एवं पूजन किया जाएगा। सुहागिन महिलाओं के लिए वट सावित्री का व्रत बहुत ही खास है, मगर ऐसे में यदि पीरियड शुरू हो जाए तो महिलाएं परेशान हो जाती हैं कि वट सावित्री व्रत किया जाए या फिर नहीं। वट सावित्री का व्रत साल में एक बार आता है। इस दिन महिलाएं पति की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती हैं और पूजा पाठ करती हैं। ये व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ के व्रत की तरह ही बेहद खास है, मगर मासिक धर्म की डेट आ जाए तो पूजा व्रत को लेकर असमंजस की स्थिति बन जाती है। पीरियड्स के दिनों में वट सावित्री व्रत का पूजन एवं व्रत किस प्रकार किया जाए, इसी विषय पे आज हम मासिक धर्म में ऐसे करें वट सावित्री की पूजा। यदि आप वट सावित्री का व्रत पहले भी कर चुकी हैं और इस बार आपको पीरियड्स आ गए हैं तो व्रत वाले दिन बाल धोकर स्नान कर लें। आप पूजा पाठ की किसी भी वस्तु को हाथ ना लगाएं। वट सावित्री पर आप व्रत रखना चाहती हैं तो व्रत रख सकती हैं, पर इसका कोई प्रमाण नहीं है। व्रत या पूजा पाठ के दौरान पीरियड्स आ जाए तो ऐसे में महिलाओं को अपना व्रत पूरा करना चाहिए। वट सावित्री के दिन आपको पीरियड्स आ जाए तो आप बाल धुलकर स्नान कर लें और अच्छे से श्रृंगार कर तैयार हो जाएं। इस दिन व्रत तो रखें लेकिन पूजा सामग्री की किसी सामग्री को ना छुएं। भगवान की मूर्ति और पूजा सामग्री को नहीं छूना है। आप घर की किसी अन्य महिला या अन्य व्यक्ति से पूजा करवा सकती हैं। उन्हें आप अपनी पूजा सामग्री दे सकती हैं और पूरी विधि देख सकती हैं। बाकी सारी विधियां जैसे पति के पैर धोना, रक्षा सूत्र बांधना, पति को तिलक लगाना आदि कर सकते हैं। आप पूजा की जगह से दूर बैठकर वट सावित्री व्रत की कथा को सुन भी सकती हैं। अगर आप पहली बार ये व्रत रख रही हैं और आपको मासिक धर्म शुरू हो गया है तो आपको यही सलाह दी जाती है कि इस बार आप यह व्रत शुरू ना करें। आप अगले साल इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। किसी भी पूजा एवं पाठ में मानसिक पूजा का कोई भी मनाही नहीं होती, इसलिए वट सावित्री पूजा में अगर आपको पीरियड्स हो जाते हैं तो आप मानसिक रूप से भगवान का पूजन एवं ध्यान ज़रूर कर सकते हैं। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। राधे कृष्ण।